हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एचआर क्लासेस। मैं पवन सर, आज मैं आपको इस क्लास में जो 2 मार्च को इंटरमीडिएट की होने वाली परीक्षा में जो सीरीज हमने कल स्टार्ट की थी, जिसमें ग्रामर का कुछ पोर्शन हमने कंप्लीट करा दिया था और जो अब बाकी रह गया है वो इस क्लास में हम कंप्लीट कराएंगे। तो लेट्स कम। क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, द एबसेंस ऑफ द एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट मेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। वह देश जहां पर कोई सरकार नहीं हो, उस देश में क्या होगा? देखिए, 4 दिए हुए हैं, कौन सा बड़ा आएगा वो बताना जरा आपको, जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा बताना है आपको। मोनार्की, एनआरकी, पैट्रियार्की और लास्ट है आपका मैट्रीआर्की। मैट्रीआर्की, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, मतलब जिस देश में कोई सरकार नहीं हो, सरकार की अनुपस्थिति हो, उससे क्या कहेंगे? एक वर्ड बताना, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? अनेकार्थी शब्दों का एक शब्द बताना है। ओके, तो इसमें मोनार्की होगा, एनआरकी होगा, पैट्रियार्की होगा या मैट्रीआर्की होगा। तो जिस देश में कोई गवर्नमेंट नहीं होगी तो वहां क्या फैल जाएगी? चाउस। चाउस मीन्स क्या होता है? अव्यवस्था। फिर कौन सा हो जाएगा? एनआरकी। एनआरकी मीन्स क्या होता है? अराजकता या अव्यवस्था। अब बाकी को भी समझ लेते हैं। मोनार्की क्या होता है? द गवर्नमेंट बाई द किंग, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट इज डन बाई द किंग इज कॉल्ड मोनार्की, जहां पर राजा का शासन चलता है उसे क्या कहते हैं? मोनार्की। पैट्रियार्की क्या होता है? अ प्लेस अ फैमिली वेयर वेयर द फादर इज हेड, तो उसे क्या कहेंगे? पैट्रियार्की। मतलब एक परिवार जिसमें पिता की चलती हो तो उसे क्या कहेंगे? पैट्रियार्की। और जहां माता की चलती हो, माँ की चलती हो, उसे क्या कहेंगे? मैट्रीआर्की। राजा के द्वारा शासन चलाया जाए तो मोनार्की, जहाँ कोई सरकार नहीं हो एनआरकी, मिस अराजकता चाउस फैल जाएगी वहां। पैट्रियार्की, वह फैमिली जिसमें पितृ सत्तात्मक हो, मिस पिता की सत्ता चलती हो, पापा की चलती हो। मैट्रियार्की क्या होता है? जहां माँ का शासन चलता हो, जिसमें स्त्री को महत्व दिया जाता हो। चलो इसके लिए एक तुम्हें रूट वर्ड बता देते हैं, और रूट वर्ड क्या है? आर्की। जैसे कल वाली क्लास में हमने आपको बताया था, इसे समझ लीजिए, पहले उसमें बताया था मैंने आपको क्रेसी। क्रेसी मीन्स क्या होता है? शासन करना है, सत्ता करना। तो आर की माने भी क्या होता है? शासन या सत्ता। आर की मीन्स क्या होता है? शासन या सत्ता, मतलब वहां एक स्थान जहां पर अराजक लोगों के द्वारा सत्ता की जा रही हो, उसको क्या कहलाएंगे? एनआरकी कह देंगे। ऐसे यहाँ पे क्या, आर्की और क्रेसी दोनों का मतलब क्या होता है? शासन या सत्ता। ऐसे ही आप बहुत सारे वर्ड समझ सकते हैं, जैसे आपका है सुसाइड। तो कोई भी वर्ड हो जिसके अंत में आपको साइड मिल जाए, CIDE, तो साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। और सु मिस होता है सेल्फ, तो स्वयं की हत्या क्या कहलाएगी? आत्महत्या। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हैं सुसाइड पर ही, जैसे आपकी ले लो बायोलॉजी। अगर किसी वर्ड के पीछे आपको लॉजी मिलता है, लॉजी भाई, तो लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना या पढ़ाई करना। और बायोमान क्या होता है? जीव। तो ऐसा शास्त्र जिसमें क्या किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो ये आपके रूट वर्ड होते हैं। रूट वर्ड की सहायता से आप क्या है, आसानी से वर्ड मीनिंग को याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, द एंटोनिम ऑफ सेक्रेट इज,
सेक्रेट का एंटोनिम क्या है? सेक्रेमिस क्या होता है? पवित्र। देखिए प्योर है, पायस है, क्लीन है, प्रोफेन है। देखिए प्योर में क्या होता है? शुद्ध। पायस में धार्मिक, क्लीन माने साफ, और प्रोफेन में क्या होता है? अशुद्ध या अपवित्र। तो पवित्र का क्या हो जाएगा? प्रोफेन मीन्स अपवित्र। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसे देख लीजिए। आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास अगेन डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए आई सैड डोंट वेस्ट योर टाइम, इसका मैंने लास्ट जो क्लास पढ़ाई थी मैंने समझाई थी, उसमें भी ये बताया था कि यदि कोई आरएस का वाक्य डू नॉट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसकी जो उसकी इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाते हैं। तो उसके मैंने दो तरीके बताए थे, पुनः हम दोबारा से तो आपको समझाते हैं और देख लीजिए। आई एडवाइज, सर को क्या करेंगे? आरएस के वाक्य के भावानुसार बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा? एडवाइज। आई एडवाइज डू हट जाएगी, क्या हो जाएगा? नॉट टू वेस्ट योर क्या है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। तो क्या करेंगे? यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है इस कंडीशन में मी, हिम और हर, इन तीनों में से किसी को हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं? मी, तो क्या हो जाएगा? माई, और टाइम की टाइम। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका मैंने समझा बताया था आपको, आई फॉरवर्ड, आई फॉरबैड टू वेस्ट माई टाइम, आई फॉरबैड टू वेस्ट माई टाइम। अब यहां देखिए, यहां रिपोर्ट का जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के साथ ही माई, ऐसा लग रहा है कि साथ आई के लिए ही माई का यूज किया गया है। तो इसके लिए जब आप यूज कर सकते हैं हिम या हिज या हर भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये दो तरीके हैं। यदि आपका आर एस का वाक्य डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो एडवाइज्ड डू को हटाकर नॉट टू लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट को पूरा कंप्लीट हटा देंगे और सैड को किसमें चेंज कर देंगे? फॉरवर्ड में। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये भी इनडायरेक्ट ही है आपका। देखिए यह है रोहित सैड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। रोहित सैड टू अस लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। ये सेंटेंस कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस इसकी पैसिव वॉइस सॉरी इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, चलिए हम बताते हैं आपको, ध्यान दीजिए। इधर रोहित की, रोहित सॉरी, यदि कोई भी आरएस का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि लेट अस से स्टार्ट होता है, लेट्स कह लीजिए या लेट अस से स्टार्ट होता है, तो क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं। सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं कब? जब रिपोर्ट आर एस का वाक्य, रिपोर्टर स्पीच का वाक्य किससे स्टार्ट हो रहा हो? लेट अस से या लेट से, दोनों एक ही हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या है? लेट अस। देखिए तो रोहित सजेस्टेड टू अस, इन्वर्टेड कॉमास किस नाम क्या लगेगा? दैट। अब ये क्या है? अस। अस क्या होती है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? रोहित। देखिए ध्यान दीजिए, करने से याद रखिए, यदि यहां पर आई है या यहां पर बी है तो यहां आएगा बी, या यहां पर यू है तो यहां आएगा यू,
अदरवाइज अन्य सभी कंडीशन में क्या लगाएंगे आप, दे लगाएंगे। दोबारा समझ लीजिए, अस फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। जब इसे रिपोर्ट में के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं तो रोहित है, रोहित क्या है, एक वचन। तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर ये दे कैसे आ गया, ध्यान रखिए क्या करना है, अगर आई और बी है तो लगाएंगे हम बी, और यहाँ अगर रिपोर्ट में का सब्जेक्ट यू होता तो यहाँ क्या आ जाता, यू आ जाता। बाकी अदर सभी कंडीशन क्या लगाना है, दे लगाना है। और दे के बाद क्या करेंगे, लेट को शुड में चेंज कर देते हैं, गो की गो फॉर अ पिकनिक, रोहित सजेस्टेड या प्रपोज में भी लगा सकते हैं, प्रपोज टू मी टू अस सॉरी दैट दे शुड गो फॉर ए पिकनिक। ये है आपका इनडायरेक्ट, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, आप समझते भी जाएं, कोई अगर समस्या हो तो कमेंट कर दें। नेक्स्ट चलिए, अब है आपका डू इट और नेक्स्ट है लीव इट। इसका बनाना है आपको कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस मैंने कल भी आपको समझाया था क्लास में कि कंपाउंड सेंटेंस में आपको याद रखना है एंड और, नाइदर नॉर, सो बट वाइल, ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं। और पहले वाक्य को क्या करना है, जो भिन्न भिन्न वाक्य हैं उनकी हिंदी में अर्थ निकालिए, और अर्थ निकाल करके इन कोऑर्डिनेट कंजक्शन की सहायता से क्या कर सकते हैं, वाक्यों को जोड़ सकते हैं जो अप्रोप्रियट हो। अब सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे आप, तो डू इट लीव इट, इसे करो या इसे छोड़ दो, तो क्या अर्थ आ रहा है, इसे करो या छोड़ दो, तो क्या लगा देंगे और। ओके नेक्स्ट है आपका, देखिए ही हैज सेव्ड माई लाइफ, इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस, क्या बनाना है पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस के लिए क्या करना है आपको, जब एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं हम, कर्ता को कर्म के स्थान पर और कर्म को कर्ता के स्थान पर रख देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, माय लाइफ सबसे पहले आ जाएगा, देखो ये कर सब्जेक्ट हो गया आपका, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, सेव्ड आपकी ये थर्ड फॉर्म वर्ब हो गई, माय लाइफ ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो माय लाइफ आ जाएगा, माय लाइफ, माय लाइफ एक बचा क्या लगा देंगे हैज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब पैसिव वर्ब बनाएंगे तो हमेशा किसका यूज करते हैं, बीन। परफेक्ट कोई भी टेंस हो अगर उसकी आप पैसिव वर्ब बना रहे हैं तो क्या करना है, उसकी एक्चुअल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद क्या लगा देना आपको, बीन लगा देना। जैसे ये हैड होता तो पास्ट परफेक्ट हो जाता, तो हैड के बाद क्या लगा देते हैं हम, बीन। यहाँ अगर बिल हैव या सेल हैव होता तब भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर बीन लगा देते, तो बीन हो गया। इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, पैसिव वर्ब में एक ही फॉर्म आती है, वो भी थर्ड फॉर्म सेव्ड, माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आप भी करते रहें, अगर कोई भी डाउट है और कुछ और पूछना हो तो आप डाल सकते हैं, कमेंट में लिखें, आपको वो समझा दिया जाएगा। आगे चलते हैं, यू आर सीनियर देन मी, एक ये है, एक आपका ये है, कैटल्स आर ग्रेजिंग, ये दो सेंटेंस हैं, और इनमें उन्होंने कहा है कि एरर फाइंड आउट करनी है कि इन दोनों सेंटेंसेस में एरर कहां पर है। देखिए यू आर सीनियर देन मी, यहां देखिए सीनियर, सीनियर जूनियर इन्फेरियर सुपीरियर प्रायर प्रिफर, इन सब के ये सब क्या होते हैं, लैटिन एडजेक्टिव होते हैं, और इनके बाद देन के अपेक्षा क्या आता है, टू आता है। दोबारा सुन ले, सीनियर है, जूनियर है, प्रिफर है, प्रायर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, ये सारे वर्ड्स लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं, इसे छोड़ करके ये सारे लैटिन एडजेक्टिव्स हैं तो आपके,
और इन लैटिन एडजेक्टिव्स के बाद क्या आता है, हमेशा टू आता है। ओके, कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें भी एग्जाम्पल आया था, तो मैंने बताया था आपको कैटल के बाद एस नहीं आएगा। कैटल है, पीपल है, पुलिस है, पब्लिक है, जेंट्री है, इनके बाद एस का प्रयोग नहीं होता, ये ऑलरेडी प्लुरल होते हैं। तो आगे समझाते हैं आपको, आगे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका वन हु सीज द डार्क साइड, डार्क साइड ऑफ ए थिंग। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पूछा गया है कि वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग, वह व्यक्ति या कोई भी हो क्या करता है, नकारात्मक सोच रखता हो किसी चीज के प्रति, उसे क्या कहेंगे, कोई भी चीज है उसके ऊपर नकारात्मक सोच रखता है उसे क्या कहेंगे, डार्क साइड की तरफ देखता है वो, तो उसे क्या कहते हैं, या तो ऑप्टिमिस्ट कहेंगे, पैसिमिस्ट कहते हैं, डार्की कहते हैं, होपलेस कहते हैं, होपलेस। देखिए वह व्यक्ति जो किसी चीज की प्रति नकारात्मक सोच रखता है उसे क्या कहेंगे, पैसिमिस्ट, निराशावादी, क्या कहेंगे, निराशावादी। और जो अगर इस यहां डार्क की जगह ब्राइट आ जाए, ओके, तो ब्राइट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी, आशावादी। डार्क ही होगा नहीं आपका, होपलेस आपको पता ही है। तो जो डार्क साइड की तरफ देखता है वो निराशावादी होता है, और जो ब्राइट साइड की तरफ देखेगा उसे क्या हो जाएगा, तुम्हारा आशावादी। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे ही वन-वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप बहुत सारे हैं, इस तरीके से आप उन्हें याद कर लें और कुछ हम बता देंगे। ये हो गया है आपका, ये बताया था गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, गवर्नमेंट बाई रिच, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बाई पीपल। तो ये सारे मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें सब समझाए थे आपको, तो आप उन्हें याद रखें। अब देखिए इसमें है द एप्पल ऑफ वंस आईज, द एप्पल ऑफ वंस आईज, ये है आपका idiom phrase। ऐसे idiom phrases आएंगे, idiom phrases आपको विशेष का याद रखनी है। पहले तो ये आते थे एग्जाम में कि ऐसे idiom phrases दे देता था और आपसे पूछता था कि ये idiom phrases का यूज करके आपको क्या करना है, अपना एक सेंटेंस बनाना है इनका अर्थ क्लियर करते हुए। यहाँ क्या होगा, यहाँ या तो ऑप्शन में दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा आपको, तो मैं से पूछ लेगा कि ये इस जो तो आपके सामने idiom phrase दे रखा है इसके मीन को कौन क्लियर कर रहा है, कौन सा ऑप्शन क्लियर कर रहा है, तो उसे टिक करिए। तो यहाँ पर देखिए द एप्पल ऑफ वंस आईज मीन्स क्या होता है, आंखों का तारा, आंखों का तारा मतलब वेरी डियर, वेरी डियर। एवरी चाइल्ड इज एन एप्पल ऑफ हर मदर्स आईज, हर कोई जो बच्चा होता है वो अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। ऐसे इस पे बना सकते हैं। एक और आता है ब्लैक सीप, ब्लैक सीप मीन्स क्या होता है, अवांछनीय व्यक्ति, अवांछनीय व्यक्ति। अवांछनीय व्यक्ति का मतलब क्या होता है, दुष्ट व्यक्ति कह सकते हैं, नीच व्यक्ति कह सकते हैं। इसमें सेंटेंस क्या होगा, एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक सीप, मतलब हर परिवार में एक न एक बुरा व्यक्ति मिल ही जाता है, या दुष्ट व्यक्ति या कुल कलंकित व्यक्ति मिल ही जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ब्लैक सीप। ओके, नेक्स्ट देखिए, एट इलेवेंथ आवर, एट इलेवेंथ आवर का मतलब क्या होता है, अंतिम समय पर, अंतिम समय पर। अ पर्सन टोल्ड अबाउट हिज वेल्थ, अ पर्सन टोल्ड अबाउट हिज हेल्थ
टू हिज सन्स एट हिज 11th आवर। व्यक्ति ने अपने अंतिम समय पर अपने बच्चों को अपने संपत्ति के बारे में बताया। तो ऐसे ही इन पर क्या करना होता है, आपको एक एक सेंटेंस बनाना होता है। आपकी इच्छा है, जो भी सेंटेंस आपको लगे अप्रोप्रिएट है, यहाँ पर अगर सही लग रहा है तो आप यूज कर सकते हैं। और देखिए, ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मीन्स क्या होता है, सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा का मतलब होता है कर्ता धर्ता। तो तुम कह सकते हो माई फादर इज ऑल इन माई फैमिली, मेरे परिवार में मेरे पापा ही क्या है, कर्ता धर्ता है। और देखिए ऐसे ही पूर्वा सब्स्टिट्यूट, ये सॉरी इडियम फ्रेज बताते हैं आपको। अ रेड लेटर लेटर्स डे, रेड लेटर्स डे मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण दिन या महत्वपूर्ण दिवस। आप एग्जाम्पल बनाना चाहो तो बना सकते हो, 15th ऑफ अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय इतिहास में 15 अगस्त क्या है, एक महत्वपूर्ण दिन है, दिवस है। तो इस तरीके से आप क्या है, इन idiom phrases का यूज करके आपको क्या बनाना होता है, एक सेंटेंस बनाना होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट होगा आपका, देखिए ये है, he had received a letter yesterday, he had received a letter yesterday। वो पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में एरर कहां पर है, तो आप गैस करिए एरर कहां हो सकती है इसमें। देखिए यह हैज है, हैज डिनोट कर रहा है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, और यस्टरडे जो वर्ड है वो डिनोट कर रहा है कि टेंस कौन सा होना चाहिए, पास्ट। ओके, तो यहां पर यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, द लास्ट डे आ जाए, या द प्रीवियस डे आ जाए, प्रीवियस डे आ जाए, तो आप समझ लेना कि यहां पर हैज का यूज नहीं होगा, ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। आगे चलते हैं, एक आपका ये है डिग्री का, ये डिग्री देख लीजिए, no other girl in the class is so beautiful as Renu, no other girl in the class is so beautiful as Renu, कक्षा में रेनू के समान कोई भी सुंदर नहीं है, इतना सुंदर नहीं जितना कि रेनू। अब देखिए इसका उसने पूछा है कॉम्परेटिव डिग्री, तो आप इसका क्या बनाएंगे, कॉम्परेटिव डिग्री। और कल मैंने आपको समझाया था डिग्री के दो ट्रिक बताई थी आपको, एक नो अदर वाली, एक वेरी फ्यू वाली, और दोनों में ही मैंने आपको क्या है कीवर्ड्स बताए थे कि ये वाले कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, इन कीवर्ड्स की सहायता से आप क्या है आसानी से कॉम्परेटिव डिग्री सुपर डिग्री बना सकते हैं। देखिए जब इसकी कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या करेंगे, रेनू को सबसे पहले आएंगे, रेनू इज ब्यूटीफुल की जो कॉम्परेटिव डिग्री होगी, अगर कोई वर्ड कोई एडजेक्टिव है या कोई तुम्हारा जो एडवर्ब है वो जो वर्ड है यदि एक से ज्यादा सिलेबल में टूट रहा है या एक से ज्यादा उसके सिलेबल है तो क्या करेंगे, मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। तो क्या लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, सिलेबल का मतलब समझ सकते हैं, देखो ब्यूटीफुल इस तरीके से, रेनु इज मोर ब्यूटीफुल, फिर क्या लगाते हैं, देन टी एच एन, और नो अदर की जगह क्या आता है, एनी अदर गर्ल इन द क्लास।
रेनू इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अगर इसका सुपरलेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ये रहा आपका सुपरलेटिव डिग्री। आई होप आपकी ये समाज क्लास क्लास सॉरी क्लास समझ में आई होगी। यदि किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट को या कुछ पूछना है उसे लिखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो के हर नई वीडियो के आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आप तक अवश्य पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।